Foyer! Stupids! Idiots! This king and his dumb beaters! Orderly! Orderly! Yes, sir. हमने मना किया था ये नौबत नहीं बजेगी सर हम रोज बोलते हैं वो नहीं मानते कहते हैं आलमपना का हुक्म है किसी और का हुक्म नहीं मानेंगे क्या कहा वो हमारा हुक्म नहीं मानते उस कठपुतली बादशाह का हुक्म मानते हैं जाओ उन्हें जाकर रोको और अगर वो नहीं माने तो उन्हें उठाकर नीचे फेंक दो और उनके ये ड्रम्स और नौबतें सब तोड़ दो गो स्टॉप देम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू जाओ सर चाहो तो गोली मार दो खुदा खैर करे हमारे सरताज हमारे होते हुए भी फिक्र में डूबे रहते हैं लगता है आज कोई नई फिक्र हुजूर को सता रही है खुदा गवाह है बेगम के आज तक मुगल शहंशाह के साथ किसी को बदतमीजी करने की जरूरत नहीं हुई लेकिन आज हमारे वकार को सदमा पहुंचा है जिसे बर्दाश्त करना हमारे लिए मुश्किल है बंदी को आपसे दिली हमदर्दी है क्या हम जान सकते हैं कि ये नागवार वाकया कैसे हुआ कर्नल फ्लेचर ने गुस्ताखी दिखाते हुए वो नौबत नकारे बंद करवा दिए जो हमारी शान के निशान थे हुजूर के दिल को जो ठेस पहुंची है उससे हमें भी दुख हुआ है हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं बेगम तो उसे दुख से भरपूर पाते हैं अब्बा जान मरहूम के बेदर्दाना कत्ल मोहतरमा अम्मी जान से इतनी लंबी जुदाई दिल्ली से 11 साल की दूरी बक्सर के जंग में हमारी शिकस्त और यहां इलाहाबाद में हमारी नजरबंदी आपसे मेरी इल्तिजा है कि जो कुछ गुजर गया वो गुजर गया उसे भूल जाइए अंधेरे के बाद उजाला होता ही है ये कुदरत का कानून है मायूस ना होइए उम्मीद बांधे रखिए आने वाला दौर आपका सुनहरा दौर होगा यही सोचते सोचते तो यहां दिन महीने और साल गुजरते जा रहे हैं बेगम या खुदा खुदा ही जाने कि हम मुगल शहंशाहों के वारिस और दिल्ली के तख्त के मालिक बनेंगे भी या नहीं इंशाअल्लाह जरूर बनेंगे इन फिरंगियों से तो कोई उम्मीद रही नहीं कि ये हमें दिल्ली ले जाएंगे अगर कोई उम्मीद की जा सकती है तो सिर्फ मराठों से और वो भी महाजी सिंधिया से हाँ बेगम